आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम पिछले वीडियो में गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पर आधारित एक दिलचस्प उदाहरण देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम अर्ध गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पर आधारित एक मजेदार उदाहरण को देखेंगे। चलो मानस, हम मेले में चलें। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। माँ ने मुझे बर्तन की दुकान से इन कटोरियों पर कलई करवा कर लाने को कहा है। अच्छा, इन दो कटोरियों पर कलई करने के कितने रुपए लगेंगे? अरे, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। दुकानदार कलई करने के 5 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर लेता है, लेकिन मैं ये कैसे पता लगाऊं कि इन दो कटोरियों पर कली करवाने का कितना व्यय होगा? इसका हल हम गणित के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब यह गणित का समय है। देखो मानस, हर कटोरी अर्ध गोले के आकार की है, और क्योंकि हमें हर कटोरी के आंतरिक पृष्ठ पर कलई करवानी है, हर कटोरी पर लगने वाली कलई उसके आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगी। अच्छा, ऐसी बात है। ये तो मैं आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। ये दोनों कटोरियाँ बिल्कुल समान हैं, इसलिए इनके आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बराबर ही होंगे। कटोरी अर्ध गोलाकार है और इसका आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हर कटोरी की आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। लेकिन एक मुश्किल है, मुझे अर्ध गोलाकार के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद नहीं है। अरे ये तो बहुत आसान है। मैं तुम्हें ये याद रखने का एक आसान तरीका बताता हूँ। ये कटोरियाँ अर्ध गोलाकार हैं और हर अर्ध गोलाकार एक गोले का आधा होता है, इसलिए हम अर्ध गोलाकार के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr का वर्ग के गुणनफल को 2 से भाग करके ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 × πr के वर्ग का गुणनफल है, जहां r अर्ध गोले की त्रिज्या है। अरे हाँ, धन्यवाद थॉमस। चलो, मैं यहाँ आर की जगह एक कटोरी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर लिखकर इसे हल कर लूं। एक कटोरी का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है। बिल्कुल ठीक। और तुम्हारे पास ऐसी 2 कटोरियां हैं, इसका मतलब तुम्हें कुल 2 × 308 यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर के कुल क्षेत्रफल पर कलई करवानी है। अब बस हमें प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर कलई करने का दर 5 रुपए को कलई होने वाले कुल क्षेत्रफल 616 से गुणा करना होगा। देखो मानस, तुम्हें कलई करवाने के कुल 3,080 रुपए लगेंगे। हे भगवान, इतने सारे रुपए! अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया थॉमस, मैं तो केवल 100 रुपए लेकर दुकान पर जाने वाला था। चलो अब हम अपनी दुनिया में लौट चले। मैं तुम्हें अपनी साइकिल पर जल्दी से मार्केट ले चलता हूँ, उसके पश्चात हम दोनों मेले में घूमने चलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अर्ध गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पर आधारित एक मजेदार उदाहरण को देखा।
तो उम्मीद है कि अब आपको गोले और अर्ध गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर की अच्छी समझ हो गई होगी।